सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा, हम आपसे एक काम करते हैं जो अपने लिए, बाकी सारा काम आपके लिए। जो आपसे पैसे ले लेते हैं वो मेरे अपना हो जाते हैं और सिर्फ मैं अपने लिए लेता हूँ, बाकी जितना भी काम होगा सिर्फ आप लोग के लिए होगा। तो कमजोर से कमजोर बंदे भी तेज हो जाएंगे पढ़ने में, बशर्ते वो अपनी समस्याओं का समाधान करके चले जाए। जो समस्या उसको आज के आज खत्म कर लेंगे तब, अगर उस समस्या को रोके रहेंगे तो विश्वास कीजिए छोटा सा छोटा रोग बहुत बड़ा रोग धारण कर लेता है, क्योंकि आपने उसका सही समय पर इलाज नहीं किया। उसी तरह से अगर जो समस्या वो समाधान नहीं किए तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या ऐसी बन जाती है जिसका समाधान फिर संभव नहीं है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जब बोलते हैं यार थोड़ा मेहनत करो, बोला सर अभी क्या, अभी तो हम पार्ट वन में हैं, अभी तो मेरा एज भी नहीं हुआ। और उसी में से कुछ लोग आते हैं, पूछना पड़ता है कहाँ अभी हो, क्या करें सर एज पार कर गया। तो समय इतना स्पीड से भागता है ना कि पता भी नहीं चलता है समय कब निकल गया, कब हम लोग 17 के थे 18 भी नहीं पूरे और कब 32 पार कर गए। ऐसे से तो आपको 27-30 तक से ज्यादा देने वाला है नहीं, और 30 जैसे ही पार करता है तो लड़के लोग 27-28 ही पार करते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ना चालू होता है। आपके बगल से 3 गो का रिजल्ट हो गया, 2 गो का नहीं हुआ, उसी समय से आपकी प्रेशर बढ़ जाती है। और आप अभी देख रहे हैं ना वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और सबका सब प्रेशर का खेला है। अगर कम रन रहता है तो आराम से खेलता, कहता किसी तरह से जीत लेंगे, गलती से 2-3 विकेट गिर जाता है तो कम रन में भी प्रेशर आना स्टार्ट होता है कि नहीं होते। तो हमारा, हम मानव लोगों का ये अवगुण है, प्रेशर रिलीज इतना आसानी से नहीं होता। कहना बहुत आसान काम है कि बिना प्रेशर के काम करो, लेकिन प्रेशर रिलीज होता नहीं है जब प्रेशर एक बार आ जाती है। तो नहीं आए ये बड़ी बात है, तो नहीं आएगा कैसे, तो जो भी समस्या है आप यहां बोलते जाइए, गूंगा बैठिएगा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। और इसी क्वेश्चन पूछने में मैं गाली नहीं देता हूं, हाँ बोलने का होता है, बोलता हूं इसलिए कि अगली बार आपको ध्यान में रहे, और ना बोलेंगे ना तो आप ध्यान ही नहीं देंगे। जो क्वेश्चन आज पूछे कल फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर पूछिएगा। तो आप पूछ रहे हैं आप तो खुश होंगे, लेकिन बाकी लोग जो है इरिटेट होगा, क्या यार यार एक के क्वेश्चन कोई बताते रहते हैं जी। तो हमारा डांटना काम है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आज हम गलती से आप पे गुस्सा गए तो मैं भूल भी जाता हूं कि कल किस पे गुस्साया हूं। तो बहुत सारा एकदम इमोशनली ले लेता है, गुस्सा आ गया अब कल कैसे पूछेंगे, कैसे सामने फेस टू फेस होंगे। अरे यार ये काम ही है गुस्साना और बताना। तो आपका काम है हर हालत में पूछना, जैसे भी समस्या है पूछना है। आप एक विद्यार्थी जी एक बहुत बड़े भिखमंगे हो, भिखमंगा समझते हो, भिखमंगा का एक गुण होता है, उस गुण का हर एक चीजों में गुण होता है, भिखमंगा में भी क्वालिटी होते है। कितनो डांटते रहिए कहेगा देदा बाबू मारिएगा तो नहीं है, है ना। देखते होंगे भिखमंगे को भीख देने वक्त कभी कलाल होता क्या है ना, कि ना भी मन रहता है वो देदा बाबू देदा बाबू, अंतिम में आदमी को साख देता, ले तू ले भागे जैसा, भाई तू बड़ी टेंशन देने है। होता ही नहीं होते। तो आपको उसी भिखमंगे की तरह, ये मैनेजमेंट का कोर्स है भाई, ये आप उसी भिखमंगे की तरह लगे रहो। जैसे बोले LIC के बहुत सारे एजेंट होते हैं, है ना, महीना पूर्ता है जानता है देगा कि नहीं देगा, फिर जाता है सर एगो मिल जाता था अच्छा रहते, लेको पॉलिसी नहीं यार अभी नहीं है, है ना जी कब आइए, नहीं अभी मत आओ, फिर वो महीना में आ जाएगा, है ना। वो कभी हार तभी वो सक्सेसफुल एजेंट बनता है, और जिस दिन उसको तकलीफ हो जाएगा अच्छा फलनवा नहीं दल के है और ऐसे अब बोलवे नहीं करवे, वो क्या हुआ वहां से फेलुअर होना चालू होते। तो आपको क्या करना है, हर हालत में
पूछ करके ही निकलना है, बिना पूछे हुए क्लासरूम से जाना ही नहीं है, है ना। ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को मैं दो झापड़ रख दिया, और गलती से रख दिए तो समझना हमारी किस्मत आपकी किस्मत बदल गई, है ना। लेकिन रखते नहीं है, क्योंकि पाप हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। पढ़ना है आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ना आप पढ़िएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो नए विद्यार्थी आए उनके लिए उसको फोड़ने दीजिए, केयर कीजिएगा। एक छोटी सी क्वेश्चन, अभी रेशियो नहीं, आज छोटी सी एक क्वेश्चन लिखिएगा। हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जिसे सात नौ ग्यारह से भाग देने पर शेषफल क्रम सा एक दो तथा तीन बचे। सात नौ ग्यारह से भाग देने पर शेषफल क्रम सा एक दो और तीन बचे। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि अक्सर ये क्वेश्चन मिलता नहीं है, ध्यान दीजिए। सात नौ ग्यारह से भाग देना है, दो ही तरह का क्वेश्चन अक्सर मिलता है, या तो शेषफल एगो रहे, या शेषफल जब अलग अलग रहेगा तो अंतर सेम रहेगा, शेषफल अलग अलग रहेगा तो अंतर, मतलब शेषफल प्लस में या तो माइनस, अगर प्लस में सेम है तब तो वही हो गया, या तो माइनस में सेम रहेगा, लेकिन यहां शेषफल हो जाएगा माइनस छ, यहां शेषफल हो जाएगा और यहां शेषफल हो गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आपने अगर एलसीएम में सेफ पढ़े हैं तो दो ही तरह के शेषफल होगा, इन सबों से भाग देने पर शेषफल पांच बचे, या इन सबों से भाग देने पर अलग अलग रहेगा तो माइनस में शेषफल लेंगे तो सेम आ जाएगा, लेकिन यहां सेम भी नहीं है और शेषफल भी अलग अलग है। तो अब मैंने कहा अब करना क्या है, तो इसके लिए ध्यान देना है विद्यार्थी जी। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि सात नौ ग्यारह से भाग देना, इन सबों का एलसीएम चाहिए, इन सबों का, और सात नौ ग्यारह का एलसीएम सारी अभाज्य संख्या यानी गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा, ये भी जानते हैं। चलिए, अर्थात तीन छो तीन नौ छह सौ तिरानवे क्या। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को सिखाना ये चाहा कि सात नौ ग्यारह से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, एक दो, और आप लोगों ने कहा अंतर सेम होना, लेकिन क्या अंतर सेम है, तो नहीं सेम है, तो सोचिए कि इसको कितना से गुना कर दें कि अंतर, तो ऊपर में अंतर कितने का है और नीचे में अंतर, तो केवल दो से गुना कर दीजिए, अंतर सेम हो गया होगा, देख लीजिए। सात और दो में अंतर, जल्दी बोलिए, नौ और चार में अंतर, ग्यारह और छह में अंतर, यानी शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस। छह सौ तिरानवे में पांच घटा दीजिए, अर्थात आंसर होना चाहिए 600। अब ध्यान दीजिए, 688 में सात से भाग दीजिएगा, शेषफल माइनस पांच बचेगा या तो दो बचेगा, शेषफल नौ से भाग दीजिएगा तो माइनस पांच बचेगा या तो चार बचेगा, ग्यारह से भाग दीजिएगा तो माइनस पांच बचेगा या तो छह,
लेकिन आपको दो चार छह नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए था एक दो और। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 16 में 7 से भाग देने पर शेष फल दो होता है, लेकिन 8 में 7 से भाग देने पर शेष फल एक होता है। यानी शेष फल अगर आधा करना हो तो जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या कर देंगे, आधा। तो 688 के आधा विद्यार्थी जी 300। अब आप मन ही मन 343 44 में 7 से भाग दे के देखिए एक आएगा, 9 से भाग दे के देखिए दो आएगा, 11 से भाग दे के देखिए कितना आ जाएगा। तो जब कभी भी अलग अलग शेष फल रहे तो पहले अंतर को क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए जितना से गुना किए, चूंकि आपको दो चार छह आ रहा है जबकि चाहिए आपको एक दो तीन ना, तो आधा शेष फल के लिए इसको क्या कर देना, आधा। अगर तिगुना शेष फल बचता तो इसको क्या कर देते, तीन से भाग। मेरी बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। 5 5 ऐसे संख्याएं हैं जिसके प्रत्येक युग्म, युग्म मीन्स होता है पेयर जोड़ा, प्रत्येक युग्म का HCF 2 हो, प्रत्येक युग्म का HCF 2 हो तथा LCM 80 हो, LCM 80 हो, तो पांचों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, पांचों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर अभी तक पूछा गया था दो संख्याओं का HCF इतना और LCM इतना तो गुणनफल क्या होगा, तो लसा गुने मासा कर देते थे गुणनफल निकल जाता था। लेकिन यहां सीखिए, जब पांच संख्याओं के HCF दो यानी संख्या 2A 2B 2C और 2D और 2E होगा, हा या ना, श्योर है, जहां A B C D को प्राइम होगा, मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसका LCM लीजिएगा तो हो जाएगा 2A B C D E इक्वल टू हो जाएगा विद्यार्थी जी, हा या ना, और आपको निकालना क्या है ये बता दीजिए, गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल निकालिएगा तो गुना करिए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ए बी सी डी होगा कि नहीं, 2 × 4 × 8 × 16 × ए बी सी डी होगा कि नहीं, गुना करिएगा, गुणनफल निकालना है तो गुना करिएगा ना आप लोग विद्यार्थी जी। तो 2A 2B 2C 2D 2D 2E का जो गुना करिएगा तो 32 ABCD। अब 32 ABCD का मतलब हो जाएगा 32 × 40, क्योंकि ABCD का मान कितना आ गया, अर्थात आंसर हो जाएगा 0 × 4 × 8 चारिया, आंसर कितना का ला जाएगा विद्यार्थी जी, 1200। आप हमसे पढ़ चुके हैं लॉजिकली, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। HCF 2 का मतलब संख्या 2A 2B 2C 2D 2D E होगा कि नहीं, इसका LCM निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन A B C D E, इतना का मान 80 थे, ABCD का मान निकल गया तो गुणनफल भी। अब इसी को बहुत सारे रटाने वाले लोग क्या बोल देते हैं, गुणनफल का मतलब होता है LCM गुने HCF, होता है कि नहीं, LCM गुने, तो दो संख्या रहता है इसलिए इस पे पावर 1,
पांच संख्या है, इसलिए इस पे पावर कितना हुआ, पांच चार है ना, गुना करिए ना, नहीं आंसर आया। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो से ऊपर आ जाए तो एलसीएम गुणनफल बराबर हो जाएगा, लिख दूं बगल में, मिटाऊं इसे, डायरेक्ट बोल दीजिएगा गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, का जब दो संख्या रहता है तो लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने, लेकिन अगर दो गो से ऊपर रहेगा विद्यार्थी जी तो जितना संख्या रहेगा उससे एक, उससे क्या करेंगे एक, रटना नहीं है, मैं एक दो क्वेश्चन अभी और लिख देता हूं, रटाना नहीं है। तो आप एलसीएम कितना पढ़े थे जल्दी बोलिए, और दो पे पार पांच संख्या यानी कितना कर देंगे, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी अस्सी गुने सोलह यानी सोलह अठे अट्ठाईस सात यानी आंसर बारह सौ। क्या आपको समझ में आ गया, एक और लिख लीजिए, नई क्वेश्चन घूम रहा है परीक्षाओं में इसलिए मैं लिखा दिया, लिखा जाए। चार संख्याएं जिसमें से प्रत्येक समूह का चार संख्याएं जिसमें से प्रत्येक युग्म का प्रत्येक युग्म का एचसीएफ फाइव, युग्म का एचसीएफ फाइव और चारों संख्याओं का एलसीएम, चारों संख्याओं का एलसीएम तेईस सौ दस है, टू थ्री वन जीरो, तब चार संख्याओं का गुणन इन चार संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नियम से कोई पूछेगा तो क्या करिएगा, एचसीएफ पांच का मतलब संख्या होगा फाइव ए फाइव बी फाइव सी, और पढ़े होंगे ना, एचसीएफ पांच का मतलब संख्या फाइव फाइव ए फाइव बी फाइव सी और, अब इसका एलसीएम जल्दी बोलिए, फाइव ए बी सी डी है ना, लेकिन निकालना क्या है, अच्छा इतना बराबर देल है जल्दी बोलिए, कैसा अभी कुछ नहीं, निकालना क्या है गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा 125 गुने फाइव ए बी सी डी होगा कि नहीं, पचे 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 125 गुने फाइव ए बी सी बोलते ही नहीं, तो इसको बोल सकते 125 गुने 2300, क्योंकि फाइव ए बी सी डी का मान मालूम है ना, तो गुना जल्दी कर दीजिए, जीरो 125 के पांच बाकी 12, 125 गुने तीन 375 और 12 87 के साथ बाकी 38, 125 में 38 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ेंगे तो विद्यार्थी ये 33 37 63 यानी इतना आ गया क्या ले रहे हैं। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखना है तो क्या रखना है, एलसीएम गुने एचसीएफ मिटाओ, आपको याद रखना है गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ पावर जितनी संख्या उसे एक, तो एलसीएम हो गया विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए
एलसीएम हो गया, जल्दी बोलिए। 3 और 10 अगुण है 5 पे पावर 3। आंसर देने आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बढ़े, अब जब भी पूछेगा बना लीजिएगा ना, क्या हो रे गो, बन जाना चाहिए। चल, एक दिन की बात है, पहले देखते होंगे आप लोग के सामने, हमारे समय में पहले लोग जब हम लोग के यहाँ धान की खेती होती तो ना, तो बहुत सारे जो खेत में तो धान उसको क्या कहते हैं, पातन लगा हुआ रहना है ना, तो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग माथा पर लेकर आते थे सामान बेचने के लिए, और वो देते थे उसके बदले हलो धान चुरा के, पोजे से 2-3 आटी दिए और लेकर के निकल गए। तो एक दिन की बात है कि एक बुढ़िया जो है, एक बूढ़ी माँ गांव में बेल लेने के लिए, बेचने के लिए गई, गांव में बेल बेचने के लिए, एक टोकरी में बेल लेकर जाती है किसी गांव में बेचने के लिए। कुछ उदंड बच्चे मिल जाते हैं, बूढ़ी माता को चिढ़ाने लगी, तब तक ये चिढ़ावे तब तक वो बेल लेके भाग गया, वो चिढ़ाए तो ये बेल लेके भाग गया। इस तरह से देखा कि उसकी टोकरी में एक भी बेल, बूढ़ी को अफसोस हुआ, लेकिन सोचा है मेरे ही बाल बच्चे के लायक है, गाली देके भी क्या करें। और राजा के पास गया, उस गांव के मुखिया के पास जाते जाती है, बोलती है मुखिया जी आपके गांव के बच्चे बड़ा उदंड है। बोले क्या हुआ? बोला आज बेल बेचने के लाए थे, सारे बेल हमारे वो लेके। बोला एक बच्चा कैसे लेके? बोला नहीं, कई एक बच्चा है, कभी उन्हें से कभी इन्हें से मुझे चिढ़ाया भी, अब बेल लेकर के। मुखिया जी बोले देखो जो हो गया उसे लौटा नहीं सकते, लेकिन किसी और गांव में बोलना ऐसा नहीं, तुम्हारा जितना बेल था ना उसका पैसा तू हमसे ले लो, लेकिन किसी दूसरे गांव में हमारे गांव के बारे में मत बोलना कि हमारे गांव के बच्चे बेल लेके। पहले का ऐसा ही होता था, अपना गांव का इंप्रेशन लोग बनाते थे, अब तो लोग अपने घर का भी नहीं बनाते है ना। तो मुखिया जी बोले बताओ कितने बेल थे? बोला गिन साहब, गिन के तो मैंने नहीं लाया था, और उतना गाउंटी गिनती भी नहीं मुझे आती है। बोले तो फिर मुझे तुझे बता दूं कैसे? बोला एक छोटा सा कुलू है मेरे पास, जब मैं 9-9 बेल के 9-9 बेल रखते थे, सॉरी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, उन्होंने बोला जब 5-5 बेल रखते के टुकड़ा लगाते थे ना ढेर, तब मेरे पास 4 बेल शेष बच जाते थे, और जब 4-4 बेल का हम ढेर लगाते थे तो मेरे पास 3 बेल अभी भी फूट बच जाता था, और जब 3-3 बेल के 3-3 बेल के जब हम पेड़ लगाते थे, ढेर लगाते थे, तो भी 2 बेल, और 2-2 बेल के ढेर लगाए तो भी 1 बेल। मैंने उन्होंने बूढ़ी ने माता ने कहा कि 5 बेल का ढेर लगाए फिर भी 4 बेल बचता था, 4-4 बेल का ढेर लगाते थे फिर भी 3 बेल फूट बच जाता था, फूट का मतलब समझते हैं ना, हाँ ना, ढेर नहीं बन पाता था, 3 गो अलग बच जाता था। तो जितना तोहरा लगा है, उन्होंने अपनी भाषा बोला कि जे मालिक जी तोहरा लगा है कि कम से कम इतना बेल होते उतने के पैसा आप दे दीजिए। अब मुखिया जी के दिमाग चकरा गया कि कई बेल के दे भाई, 5-5 बेल रखता था तो 4 बेल बच गया, 9 बेल के दे? तो बोला 9 का कैसे दीजिएगा, 9 गो दीजिएगा तो 3-3 लगाएंगे तो 2 गो बचेगा क्या? बोला हाँ ये भी बात। तो बोला अच्छा 4-4 बेल देते हैं तो 3 बेल बच जाता, 7 गो दे क्या? बोला 7 गो के कैसे दीजिएगा, 5 गो लगाएंगे तो 2 गो ना बचना चाहिए, यहाँ बच रहा है कितना? मुखिया जी माथा ठोकने लगे। वो फिर पूछे गांव में, कहो बताओ कोई बिहार शरीफ में धनंजय शरीफ पढ़े उड़े जा? तो बोल ले दो लड़का हाँ जा ही।
बोले बताओ इसको कहे वो कम से कम बेल था, ताप गए था। बोले इसमें क्या दिक्कत है, इतना इतना का ढेर लगना चाहिए, यानी इसके गुणज में होना चाहिए, यानी एलसीएम होगा 5 और 20। शेषफल अलग अलग है, यानी यहां कितना शेष बचना चाहिए, यहां यहां यहां, यानी एक घटा देंगे, यानी उसके पास कम से कम कितने बेल कम से कम होंगे, 59 बेल लाइए, 5-5 वो में बांटिएगा तो 11 × 5 = 55 4 बचेगा, 4-4 का टुकड़ा लगाइए 14 × 4 = 56 3 बचेगा, 3-3 का टुकड़ा लगाइए 29 × 57 2 बचेगा, 2-2 का टुकड़ा लगाइए 1 बच रहा है। इसका मतलब उस बूढ़ी माता के पास कम से कम, क्या आपको समझ में आ गया? तो जब कभी भी अलग अलग शेषफल कहेगा विद्यार्थी जी, तो दिमाग रखिएगा कि बुढ़िया वाला हिसाब आ गया। नहीं अगर गलती से रामे कह दे कि मालिक जी 9 से भाग दे ली तो 1 को नहीं बचा, वो भी तो कह सकता है ना, 7 का टुकड़ा लगाते थे तो 1 भी, वो बोल दी कि 7 का टुकड़ा लगाते थे तो 1 भी बेल नहीं बचता था, तब आपकी समस्या और हो गई कि भाई 60 एलसीएम आया, यानी 60 के मल्टीपल में तो होना चाहिए और -1 भी होना चाहिए, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, आ समझ में? अब परीक्षा में ऐसा ही लंबा चौला लिख देता है भाई जी, है ना, ये लंबा चौला सिर्फ इसलिए क्वेश्चन का मात इतना ही कि इन सबों से भाग देने पर शेषफल क्रम से इतना 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 में भी पूछ सकता है, लेकिन परीक्षा में ऐसे पूछा हुआ है कि एक बूढ़ी माता किसी गांव में बेल लेकर माथे पे टोकरी में बेल लेकर बेचने के लिए जाती है, कुछ उदन बच्चे जो है उनके बेल को चुरा करके तो लेके भागता है, ये बूढ़ी माता को बहुत चिढ़ाता भी है, बूढ़ी माता को रहा नहीं गया, वहां के राजा से शिकायत किया, राजा ने बोला चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं लेकिन कहीं शिकायत मत करना, यहाँ हो गया जो हो गया, बताओ तुम्हें कितने बेल थे, सारे पैसे हमसे ले लो। बूढ़ी ने जवाब दिया कि मालिक जब मैं 5-5 का ढेर लगाता था 4 बेल फूट बच जाते थे, 4-4 का ढेर लगाते थे तो 3 बेल, 3-3 का तो 2 बेल, 2-2 का तो 1 बेल, लेकिन 7 का ढेर लगाए तो 1 भी बेल बचता, तो आप ही बताइए कम से कम कितना बेल था। तो आपको क्या करना होगा, 760 × -1/7, 7 से भाग दे दीजिए विद्यार्थी जी, 7×8 = 4k-, अब k का मान रखते जाइए कहीं ना कहीं, तो k का मान 2 रख दीजिए, 4×2 = 8 में से 1 गया, 7 से कट गया, यानी k का मान 2 होना चाहिए, 120 में से 1 घटा दीजिए, यानी आंसर 100। आप 119 से भाग दे के देख लीजिए 4 बचेगा, 4 से भाग दे के देखिए 3 बचेगा, 3 से भाग दे के देखिए 2 बचेगा, 2 से भाग दीजिए 1 बचेगा, लेकिन 7 से कट जाएगा, हाँ या ना? तो बना लेंगे, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिससे बाद में कभी इसी पे याद रहे, अलग अलग शेषफल के लिए लिख देता हूं, है ना, लिखा जाए। एक बूढ़ी मां टोकरी में कुछ बेल लेकर एक गांव बेचने के लिए जाती है, एक गांव में बेचने के लिए जाती है, एक गांव में बेचने के लिए जाती है, कुछ उदन बच्चे बूढ़ी मां को चिढ़ाते हुए उनके सारे बेल
उनके सभी बैल एक एक करके गायब कर देती है, एक एक करके गायब कर देते हैं। बूढ़ी माँ शिकायत को लेकर गांव के राजा के पास पहुंचती है, गांव के मुखिया के पास पहुंचती है। गांव के मुखिया के पास पहुंचती है और अपनी शिकायत और अपनी पूरी शिकायत मुखिया जी को बताती है। मुखिया जी अपने नौकर को आदेश देते हैं, मुखिया जी अपने नौकर को आदेश देते हैं कि इस बूढ़ी माँ के जितने भी बैल थे इसके सारे पैसे, इसके सभी पैसे इन्हें दिला दिया जाए। नौकर ने बूढ़ी माँ से पूछा आपकी टोकरी में कुल कितने बैल थे, आपकी टोकरी में कुल कितने बैल थे। इसके जवाब में बूढ़ी माँ कहती है जब मैं पांच पांच बेल के ढेर लगाता हूं, पांच पांच बेल का ढेर लगाता हूं तो मेरे पास चार बेल शेष बच जाते हैं। और जब मैं चार चार बेल का ढेर लगाता हूं तो तीन बेल शेष बच जाते हैं। जब मैं तीन तीन बेल का ढेर लगाता हूं तो दो बेल शेष बच जाते हैं। और जब मैं दो दो का ढेर लगाता हूं तो एक बेल शेष बच जाता है। जबकि सात सात बेल का ढेर लगाते हैं तो कोई भी बेल शेष नहीं बचता है। तो बताएं कि उस बूढ़ी माँ के पास कम से कम कितने बेल थे। तो आप लोग का क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जी, पांच चार तीन दो से भाग देने पर शेषफल क्रमशः चार तीन दो और तीन सबों से भाग देना है, इन सबों का एलसीएम कितना हो गया। और आपने कहा 60 का वह मल्टीपल जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना दे, -1 ना, लेकिन 7 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो k का मान यहाँ कितना रखना होगा, जल्दी बोलिए। तो k का मान 2 रख दीजिएगा, अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 119। सही है, बन जाएंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए रेशियो नहीं स्टार्ट, हमारी रेशियो कल आप लोग नई किताब, नई कलम,
आज नया लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा से शुरू हुआ है। क्वेश्चन अच्छे थे तो कल हम लोग अपनी नई चैप्टर रेशियो शुरू करेंगे, और आप लोग तो समय नहीं चेंज किए, इन लोग का 3-4 सहेलिया 3 बजे आ गई, बोली हमको भी कुल मना कर रहा था, हम चुप पे आ गए, निकली होगी तो देखबे क्यों। खैर चलिए, आप लोग को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात को ही मैंने माना। तो कल हम लोग रेशियो चालू करेंगे।